जी नेक्स्ट सम देखो, सेवेंथ सम, अ मिल्कमैन सोल्ड टू ऑफ हिज बफेलोज फॉर रुपीज 20,000 ईच। मतलब एक मिल्कमैन है वो अपनिया दो मझां नूं वेचदा आ, दो मझां नूं वेच दिंदा आ फॉर 20,000 ईच। मतलब एक मझ दा जिहड़ा सैलिंग प्राइस आ ओह किन्ना 20,000 आ, दो मझां वेच दिंदा, दैट मीनस टोटल सैलिंग प्राइस किन्ना हो गया 40,000, है ना। ऑन वन ही मेड अ गेन ऑफ 5%। एक मझ वेचण दे उहनूं की हुंदा आ, प्रॉफिट हुंदा आ, गेन हुंदा किन्ने परसेंट, 5%। एंड ऑन द अदर हैंड अ लॉस ऑफ 10%, ते पर दूसरी मझ वेचण दे उहनूं की हुंदा आ, लॉस हुंदा आ। फाइंड इज ओवरऑल गेन और लॉस, आपां की निकालना कि टोटल ओवरऑल उन्हों प्रॉफिट होया या लॉस होया। जिदा टोटल एस पी साडे कोल किन्ना आजूगा, एक मच का जो सैलिंग प्राइस है वो किन्ना 20,000 है, दोनों का किन्ना हो जूगा 40,000। जे सानू दोनों का कॉस्ट प्राइस पता चल जाए कि उन्हें खरीदियां किन्ने दियां सीगियां, दैट मीनस असं आराम नाल पता लगा सकते हैं कि उन्हों प्रॉफिट होया या लॉस होया। बिकॉज प्रॉफिट ते लॉस निकालने लई एस पी और सी पी दोनों का होना जरूरी है। एस पी सानू गिवन है, दैट मीनस असं पहला की निकालेंगे सी पी, और एक तो प्रॉफिट होया एक तो लॉस होया। सी पी का फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, जिदा प्रॉफिट होया सी पी का फॉर्मूला एस पी इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और अगर लॉस होया तो सी पी इज इक्वल टू एस पी मल्टीप्लाई 100/100 माइनस लॉस परसेंट। याद रखो जो प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे, लॉस है तो की होना है माइनस, बाकी फॉर्मूला टोटली सेम है। चलो आप दोनों का सी पी निकाल लें, फिर दोनों को प्लस कर लवेंगे, देख लवेंगे कि कौन ग्रेटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक मच का जो सैलिंग प्राइस है वह किन्ना साढ़े को 20,000 रुपीज। पहला प्रॉफिट की गल करते हैं, प्रॉफिट किन्ने परसेंट होया, 5%, 5% की हो गया प्रॉफिट। हुण असी सी पी निकाल लें, एस पी किन्ना साढ़े को 20,000 मल्टीप्लाई किया गया 100/100 प्लस प्रॉफिट किन्ना होया आपां नूं 5, यानी कि पहले सॉल्व कर लें, मल्टीप्लाई 100/100 प्लस 5 किया गया 105। हुण जदों असीं मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं, दैन मल्टीप्लाई करन तो बाद अपने कोल आ गया 20,000 है, सिंपली 0 2 0s ऐड हो जाएंगियां, अपॉन की आ गया अपने कोल 105। हुण जदों असीं 105 दे नाल डिवाइड करते हैं तो अपने कोल आ जाना 19,047.6 रुपीज। यानी कि एक जिहड़ा मझ दा कॉस्ट प्राइस है वह किन्ना आ गया अपने कोल 19,047.6 रुपीज। और इस तरह ही असीं दूसरी का कॉस्ट प्राइस निकाल लेना, दूसरी का कॉस्ट प्राइस की आ गया, पहला सैलिंग प्राइस किन्ना दिता 20,000, और लॉस किन्ने परसेंट होया 10%, एस पी किन्ना साढ़े कोल 20,000 मल्टीप्लाई किया गया अपने कोल 100 माइनस लॉस किन्ना होया 10%, मल्टीप्लाई कर दें अगेन 100 माइनस 10 90, 0 0 कैंसल। दैन जो असी 29 के नाल डिवाइड करते हैं तो अपने को आंसर आ गया 22,222.2 रुपीज। दैट मीनस साढ़े कोस्ट प्राइस पहले का भी आ गया, दूसरे का भी आ गया, दोनों की कर देवे असी प्लस। सब तो पहला टोटल एस पी निकाल लें, टोटल एस पी यानी कि टोटल सैलिंग प्राइस कि 20,000 प्लस 20,000 यानी कि किन्ना आ गया 40,000। हुण आपां की निकाल लैंदे आ टोटल सी पी, पहले का सी पी किन्ना आया सी साडे कोल 19,047.6, और अगेन प्लस दूसरे का सी पी किन्ना आया साडे कोल 22,222.2 रुपीज। हुण सानू की निकालना पैना, दोनों नू की करांगे प्लस, दोनों सी पी निकालन दे लई सी पी आ गया साडे कोल 41,269 41,269.8 रुपीज। हुण आपां देख रहे हैं कि साडा सी पी जिहड़ा है वो एस पी दे नालों ग्रेटर है, बिकॉज 41,269.8 ग्रेटर है किहदे तों, 40,000 तों। हुण जे साडा सी पी ग्रेटर है एस पी तों, दैट मीनस सानूं की होया लॉस, लॉस किन्ना लॉस होया, 41,269.8 चों माइनस की कर देवांगे 40,000, और जब असी 40,000 माइनस करते हैं साढ़े को आ गया 1,269.8 रुपीज़ की आ गया साडा लॉस। क्लीयर है जी।